नरेंद्र मोदी है जिसने उनको हजारों लोगों को उन्होंने वो गैस चूल्हा दिया। 1500 रुपया में चूल्हा और गैस का सिलेंडर मिलता है, 130 रुपया हर सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता है। आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया? ये महंगाई रोकने का उपाय नहीं है क्या? महंगाई रोकने का उपाय है नहीं? अगर आप जोड़िए, हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ इन गरीबों को ये चूल्हा देंगे, उस पर लगभग 1500 रुपए में उनको चूल्हा मिलेगा, बाकी 1600, बाकी जो 4000 3000 4500 में चूल्हा लेते थे, कितने रुपए की बचत उन गरीबों के घर में हुई है? गरीब का दख कि जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई, का दुख जाने दुखिया माए। अरे उपन्यास में पढ़ लेना आसान है, राजा जी आएंगे, कंपनी लेके आएंगे, गांव में जाएंगे, गरीब के झोपड़ी में सो जाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, मक्खन पाव रोटी खाएंगे, वो गरीब की बेटी देखते रह जाएगी, केवल एक गीत गाएगी, राजा जी की आएगी बारात, सुहानी होगी रात, मगन में नाचूंगी। कब वो नाचेगी सो भगवान जाने, कब राजा जी की बारात फिर दोबारे जाएगी, वो गरीब जाने। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने कहा सुनो, उपसभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पेट्रोलियम पदार्थ से ही खाद बनते हैं। मैं भारत के रसायन मंत्री, उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं गया था, उनके पीठ थपथपाया, उनके बांह को पकड़ा, हमने कहा डॉक्टर लोहिया के सपना को आपने साकार किया है। एक पर कभी आपने जो डीएपी पर कीमत कम की गई, उसको आपने कभी देखा? आपने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, 250 रुपया प्रति बोरी पोटास, 125 रुपया डीएपी और मिश्रित खाद पर 50 रुपया, एक गरीब निर्धन निर्मल पिछड़ा आदिवासी जो सीमांत किसान है, जो एक बोरी पोटास, एक बोरी डीएपी, एक बोरी मिश्रित खाद खेत में डालता है, हर आदमी को आज भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी ने सीधा 500 रुपए की बचत कराया है। एक आप कहते हो कैश ट्रांसफर, नरेंद्र मोदी को धनबाद है कि उन्होंने कहा पॉकेट ट्रांसफर, कि बैंक में कहा तुम्हारा पैसा जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में रहेगा, गरीब पिछड़े दलित। और ये जो डीएपी खाद से जितने लोगों को फायदा हुआ है, उसमें 95% पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, या किसी एक जाति के नहीं है। और अगर इस 95% में अगर खोजा जाए तो 80% वो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको सीधा 500 रुपया जेब में बचा है। आपने कभी सोचा था? इसलिए नहीं सोचा था कि आपके उनके लिए आपके दिल में कोई दर्द नहीं है। हमारे और नरेंद्र मोदी के दिल में इसलिए दर्द है कि हम उस गरीबनी माँ के पेट से जन्म के आए हैं, उस गरीबी को हमने देखा है, उस गरीबी को हमने भोगा है।